वेलकम टू माय चैनल यहाँ पर हम इन साइड टू के टेस्ट से डिस्कस कर रहे हैं और टेस्ट नंबर वन हमारा चल रहा है जो से रिलेटेड है तो अब इसको देखते हैं कि किस तरह से ये टेस्ट चल रहा है और टेस्ट नंबर वन के हमारे पास वन से लेकर एलेवन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं ये टेस्ट नंबर वन के ही आगे का पार्ट है ठीक है माई नेम इज़ टी के गौतम तरुण कुमार गौतम एंड आई हैव क्लियर पीड एग्जाम टू टाइम्स दट्स आई एम शेयरिंग माई स्ट्रेटेजी ऑफ दिस एग्जाम थ्रू दिस चैनल नाउ वी आर गोइंग टू टाइम क्वेश्चन नंबर इलेवन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्वेश्चन इलेवन के अंदर इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ऑर्डीनेंस पास किया गया तो बहुत बहुत है तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जनरल है तो एटीन सिक्सटी वन एटीन सिक्सटी वन के अंदर जो ऑर्डिनेंस कंसेप्ट है फर्स्ट टाइम आया था वैन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस दिस एक्ट की जो सेंटर है अगर कोई सेशन में पार्लियामेंट नहीं चल रही हो तो उस टाइम भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो दिस कंसेप्ट वॉज कम द 1861 सिक्सटी वन ओके तो बी आंसर है पर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थोड़ा आपको अच्छा सा लगेगा और लंबा लगेगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डी जो हमारे पास डी होते हैं जो आर्टिकल स्टार्ट होते थर्टी एट से लेकर फिफ्टी वन तक और ये पार्ट नंबर फोर्थ में होते हैं तो क्या रहा है डी पी एस पी ले डाउन इन द पार्ट नंबर फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नोट एनी वे वो रेड द एवरेज ऑफ़ द फंडामेंटल राइट्स गार्डनटेड बाय द पार्ट नंबर थर्ड ऑन अनदर हैड द दे हैव कफर्म एंड रन द सब्सिडरीज टू द फंडामेंटल राइट्स लेड राइट लेट पार्ट नंबर थ्री बट द फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट बाई इंटर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है तो कहने की ये किसने कहा है ये मतलब किस में हुआ है सारा पार्टी है ठीक है तो ऐसा है इसे करने के लिए आपको चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी बारे में पता होना चाहिए अगर हम चंपरम केस की बात करें पहला केस की बात करें चंपरम केस की बात, बात करते हैं 1851 फिफ्टी वन एटीन फिफ्टी वन चंपारण केस के अंदर क्या कहा गया मैं एक करके बताता हूँ आपको कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंड हम चेंज कर सकते हैं अगर हम किसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बट नोट डी पी एस बी समझ में आ गई बात इसने क्या बोला चंपारंग केस के अंदर क्या कहा है कि फंडामेंटल राइट कैन बी चेंज एंड अमेंड बाय द इम्प्लीमेंटिंग फॉर द एक्ट्स बट नोट डी पी एस बी ये पहले पार्ट में कहा गया अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कुड भी अमेंड बाय था पार्लियामेंट बाय इंट्रेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट तो यही ये यह जो किसने कहा गया यार पार्ट जो है ये चंपरम केस में है नाइनटीन के अंदर अगर मैं आगे बात करता हूँ गोरखनाथ केस की बार गोरखनाथ ने, ने क्या कहा कि फंडामेंटल कैन नॉट अमेंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डी याद कर लो अच्छी तरह से कि फंडामेंटल को आप चेंज नहीं कर सकते फॉर इंप्लीमेंटिंग डी अगर आप डी चेंज करना चाहते हो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो यू चेंज द फंडामेंटल राइट्स ये किसने बोला बोला केशव नंदा भारती केस के बारे में पता जाएगा नाइनटीन सेवेंटी थ्री इसने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं कर सकते उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ठीक है द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट ये केशव नंदा भारती केस ने कहा था मिनेवल केस के बारे में बात करें तो क्या कहता है फंडा ये मिनेवल केस क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स और डी ये एक तरह के दो पिलर हैं और इसके बीच में जो एक तरह का रॉक है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्टीट्यूशन है सॉरी तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डी पी एस पी इफ यू गिवन टू द वन द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्टर्ब ओके तो इसका मतलब है ये आपको हमने बता दी शॉर्ट में के अंदर गोलकंदा केस क्या कहता है किशनंदा भारती कैसे कहता है और मिंडलवा कैसे कहता है चंपरण केस बता दिया मैंने आपको फंडामेंटल राइट कैन बी चेंज कैन बी अमेंड फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ द एक्ट्स तो बारहवें का आंसर दे रहा है तो आंसर इसका ए ठीक है जी क्वेश्चन नंबर थर्टी में चलते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट है अगर आप इसके अंदर आप देखो कह रहा है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और लिस्ट है अगर हम इसके अंदर क्वेश्चन की बात करें लिस्ट की बात मैं करूँ तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो पेपर में आता है उत्तर प्रदेश पी में बहुत इंपॉर्टेंट है देखो यूनियन लिस्ट हमारे पास कितने थे स्टेट लिस्ट कितने थे और कंकोन लिस्ट कितने थे पहले हमारे पास थे नाइन्टी सेवन अब कितने नाइन्टी एट स्टेट लिस्ट पहले हमारे पास थी सिक्सटी सिक्स अब कितनी है साठ कंक्रेन लिस्ट हमारे पास थी फोटी सेवन अब हमारे पास कितने फिफ्टी टू तो ये नंबर आपको याद होने चाहिए कि फिफ्टी टू हमारे पास कॉन्क्रेंट लिस्ट अब है मतलब दो हज़ार तेईस के अंदर तो यूनियन लिस्ट हैं कुछ कुछ स्टेट लिस्ट हैं कुछ कॉन्क्रेंट लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है जिसमें सिर्फ यूनियन ही लो बना सकती है स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है जो स्टेट के अंडर में आते हैं कॉन्क्रेट का मतलब क्या है जो स्टेट और यूनियन स्टेट और स्टेट दोनो, दोनों स्टेट और यूनियन दोनों बनाते हैं ठीक है तो बैंकिंग की बात करें तो कह रहे हैं कि कॉन्क्रेन से रिलेटेड है गलत है बैंकिंग नहीं है बैंकिंग यूनियन के अंदर में आता है एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर आता है बिल्कुल सही है और अगर ट्रेड यूनियन की बात करें तो ट्रेड यूनियन कॉन्क्रेंट लिस्ट में आता है तो अगर आप देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक पेयर सही है तो आंसर क्या होगा उसका ए बी आंसर हुआ ओनली वन पेयर इज़ राइट तो बैंकिंग हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है कोई भी यूनियन बनाना इट्स अंडर द कॉन्क्रेंट लिस्ट ठीक है जी आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के बारे में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इन में से जजमेंट इनमें से किसने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हारमोनी बिटवीन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डेटिव प्रिंसिपल्स इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स तो मैंने अभी बताया आपको मंडल केस है कि फंडामेंटल राइट और डी एक तरह का ब्रिज है अगर हम एक को भी हिलाएंगे तो दूसरा डिस्टर्ब होगा कह क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हारमोनी हम चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट्स एंड डी ये पार्ट है एक तरह के ब्रिज से काम करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन बैड रॉक ऑफ बिटवीन दैम ठीक तो फिफ फोर्टीन का आंसर देखो तो आंसर क्या है इसका सी आंसर है फिफ्टीन में चलते हैं विद रेफरेंस ऑफ द बोन्स आइंस्टीन बोन्साइंस्टीन को पता ही होगा हमारे यहाँ पर जो हम जो हमारे पास जो स्टेट है पाँच है उनमें से एक है बोन साइंस्टीन तो पहला पढ़ते हैं इज एग्जिस्टिंग इज अपोजिस्ड बाय द अल्बर्ट आइंस्टीन एंड फि, इंडियन फिजिक्स जगत जगदीश चंद्र बोस गलत है आइंस्टीन का तो है यहाँ पे सत्यना सत्यनाथ बोस जो मैथमेटिशियन थे उसने दिया था तो पहला हमारा गलत हो गया सेकंड की बात करें इट फॉर्म्ड वैन द एटम इज सर्टेन एलिमेंट इज हीटेड गलत हीटेड नहीं अगर हम किसी चीज़ को बहुत कूल cool कर देते हैं वेरी वेरी कूल कर देते हैं कूल एट टेम्परेचर नियरली एब्सोट जीरो उस टाइम पर क्या होता है जो क्लस्टर ऑफ एटम होते हैं इट्स अ बिगिनिंग इट्स फंक्शनिंग एज अ क्वांटम ऑब्जेक्ट और क्वांटम ऑब्जेक्ट में क्या होता है जिसके अंदर पार्टिकल के दो दो नेचर होते हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इट विल भी एक्टरसाइज बोथ तो बॉस बोस, बोस आइंस्टीन के अंदर जो फॉर्मेशन है वो तब बनती है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही कूल cool कर देते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं एप्सोलूट जीरो पे उसके बाद क्या होता है जो मैंने बताया आपको उसके बाद क्या होता है कि जो क्लस्टर ऑफ एटम इज़ बिहेव एज अ क्वांटम क्वांटम का मतलब है इट विल एक्ट एज अ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर तब सेकंड गलत हो गया थर्ड बात करते हैं इट इज़ यूज इन द सर्टेन एटोमिक लेजर एंड एटोमिक क्लॉक्स ये बिल्कुल सही है इट इज़ यूज इन द एटोमिक क्लॉक एटॉमिक लेजर इसको मैग्नेटिक सेंसर में भी यूज़ करते हैं रोटेशनल सेंसर में यूज़ करते हैं तो अगर आप देखो तो उसका आंसर थर्ड हुआ आंसर ओनली बी ठीक है जी चलो अब यह फिफ्टीन तक क्वेश्चन हो गया एक पार्ट ये है हमारे पास इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ फ्रॉम द टैक्सेशन फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ़ दिल रिलीजन्स अगर आप करो तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारे पास टैक्सेशन से अंडर नंबर ट्वेंटी सेवन आर्टिकल तो कह रहा है कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड द मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिलीजन तो ये बिल्कुल हमारे पास सही है ये हमारे पास सही है कि जो इतना पैसा हमारे पास टैक्स से आता है उसको स्टेट खर्च नहीं करता किसी प्रमोट करने के लिए किसी स्टेट को रिलीजन को सॉरी प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिजन तो बिल्कुल सही है द प्रोविज़न इज़ प्रोविटेड द लीव ऑफ द टैक्स एंड फ्री फी टू कंट्रोल द सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन इंस्टीट्यूशन से टैक्स नहीं वसूल सकती है। गलत है वसूल सकती है स्टेट कैन लीव ऑफ द टैक्स एंड फ्री टू कंट्रोल द सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन तो ये हमारे पास गलत हो फर्स्ट हमारे पास होली आंसर है, है वन ठीक है जी क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेवनटीन पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की अगर बात करो आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टू रिगार्ड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है उसके बारे में कंसेप्ट है अब फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है? कि सेंट्रल एक्वायर द फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर बिल्कुल सही है कि भाई अगर हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर सेंटर पर जो कंट्रोल होता है स्टेट के फाइनेंशियल का वो होता है बिल्कुल ठीक प्रेजिडेंट में रिजर्व ऑल बिल मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल फिल फॉर कंसीडरेशन आफ्टर द पास स्टेट राइट जब कोई एक्ट को या कोई बिल को स्टेट पास करता है तो उसको प्रेजिडेंट के पास भेजा जाता है ठीक है तो बिल्कुल सही है तो प्रेजिडेंट में रिजर्व और बिल एंड फाइनेंशियल फॉर कंसीडरेशन आफ्टर द पास देशन ऑफ स्टेट ये बिल्कुल सही है थर्ड है प्रेजिडेंट मेंश्यू डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिल्कुल सही है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है उस टाइम पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो सैलरी उसको भी कम कर सकता है बिल्कुल ठीक है तो आंसर क्या हुआ वन टू थ्री तीनों डी आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ विच ऑफ द फॉलोविंग पावर एडमिट टू द न्यू स्टेट ऑफ इन द यूनियन ऑफ द स्टेट इंडिया देखो अगर आप आर्टिकल नंबर थ्री पर जाओ आर्टिकल नंबर थ्री पर जाते हैं तो पार्लियामेंट हैव द पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज एंड चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एरिया ऑफ द स्टेट इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट एंड चेंज आल्सो द नेम इट इज़ नॉट कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो दिस इज पावर अंडर दंडर द पार्लियामेंट तो आंसर है एटीन का ए कि अगर किसी को न्यू स्टेट बनाना है यूनियन का तो आर्टिकल नंबर मतलब ये पावर जो है हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल नंबर तीन में आता है ठीक है दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर में नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये नहीं आता याद करने वाली बात है थ्री सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर चलते हैं उन्नीस की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अभी पता ही होगा आपको कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री का मतलब क्या है कि जो लोग जो चुनते हैं ठीक है तो इसके जो इसके जो प्रैक्टिस्टिक्स हैं कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिल्कुल सही है वाइड रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वाइड रिप्रेजेंटेशन इज ओके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज ओके स्ट्रिक्टेशन ऑफ द पावर ये गलत है क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव और लेगस्टेशचर दोनों साथ साथ होते हैं लो को बनाने वाले भी और लो को इम्प्लीमेंट करने वाले भी दोनों साथ होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि देर इज नो सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास आता है प्रेजिडेंटल के अंदर प्रेजिडेंट के अंदर क्या होता है प्रेजिडेंट डेमोक्रेसी के अंदर कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेग्रेचर दोनों ही सेपरेट होती हैं तो थर्ड हमारे पास गलत है फोर्थ की बात करो हारमोनी बिटवीन द लेगरेचर एंड एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सही है वही जो मैंने आपको बताया कि दोनों आपस में ले काम करते हैं तो आंसर देखें तो वन टू फोर आंसर है तो आंसर है इसका डी ठीक है जी क्वेश्चन नंबर मैं करता हूँ ट्वेंटी की बात विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द पोलिटिकल इक्वलिटी वेरी गुड क्वेश्चन हमारे पास फ्रीडम ऑफ द इक्वलिटी है पता ही होगा आपको तो उसमें से कौन सा फ्रीडम पॉलिटिकल इक्वलिटी है इलेक्शन बेस्ड ऑफ द एडल्ट सरफेज बिल्कुल ठस सही है ये आर्टिकल नंबर ट्वेंटी सिक्स है थ्री ट्वेंटी सिक्स ये पोलिटिकल इक्वलिटी देता है एबोलेशन एबोलेशन ऑफ द टाइटल जो आर्टिकल नंबर सेवनटीन में आता है ये एक्चुअली पोल्टिकल इक्वलिटी नहीं देता सोशल इक्वलिटी देता है इसलिए इसका आंसर सेकेंड हमारा गलत है नो एलिजिबिलिटी फॉर द इंक्लूजन ऑफ द लेक्टर ऑन द ग्राउंड ऑफ़ द लीजियन रेस एंड कास्ट ऑफ सेक्स बिल्कुल सही है ये आर्टिकल नंबर चौबीस है थ्री ट्वेंटी फोर तो अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करेंगे तो दो आर्टिकल आते हैं थ्री ट्वेंटी फोर और थ्री ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो वन एंड थ्री आंसर हुआ इसका तो आंसर है इसका ए कुल मिला के बीस क्वेश्चन हो चुके हैं टेस्ट नंबर वन के ठीक है इसको आप सही से एक बार देख लीजिए कैसे करना है एक बार दोबारा रिपीट कर लो वीडियोज को देख के मैं आगे कल आपको बीस क्वेश्चन और कराऊंगा थैंक यू फॉर द वॉचिंग